The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What are antibiotics? क्या होते हैं antibiotics और क्या पता होना चाहिए आपको उनके बारे में? सबसे पहले antibiotics ऐसी दवाएं हैं, ऐसी medicines हैं जो के infection को ठीक करती हैं. They fight infections caused by bacterias. Bacterias का infection human, animal, किसी भी जीव जंतु में अगर infection होता है तो उसको antibiotics उसको मारने के लिए उस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है या फिर उस एंटीबायोटिक से उस बैक्टीरिया को ग्रो या मल्टीप्लाई करने से रोक दिया जाता है. अगर वो ग्रो नहीं कर पाओगे तो मर जाएंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है और वो रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटी. हम भाई साहब 9 महीने लगाते हैं प्रोजेनी एक बच्चा पैदा करने में, उनको 5 मिनट लगते हैं गट गट गट, कई बार और भी कम. सो बैक्टीरियाज आपको पता ही है जर्म्स होते हैं, वो पूरी इन्वायरमेंट में सब जगह हमारे अंदर भी हैं हमारे बाहर भी हैं और कई सारे बाहर ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया जो हमारे अंदर जाके बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और ज़्यादातर बैक्टीरियाज हार्मलेस होते हैं क्वाइट फ्रेंकली जो हमारे हाथों में भी है इस वक्त. देखिए बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं. सो बहुत सारे हार्मलेस बैक्टीरिया लेकिन हार्मफुल बैक्टीरियाज भी है दुनिया में और जो कि एक सिंपल गला खराब से लेके बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियां भी कर सकते हैं. राइट, सो एंटीबायोटिक्स किसको ठीक करती है किसको नहीं ये जानना जरूरी. नंबर वन, एंटीबायोटिक्स किस इन्फेक्शन को ठीक. एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ कुछ इन्फेक्शंस को ठीक करेंगी जो कि बैक्टीरिया से हुए हैं, जैसे गला खराब होना, थ्रोट इन्फेक्शन जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के जैसे बैक्टीरिया से होते हैं, खांसी जो वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं उनसे हो सकते हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर कोई और भी इन्फेक्शन कहीं भी पूरी बॉडी में कहीं कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो जाए जैसे कोई सेप्सिस हो जाए तो भी एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं. और वायरसेस नाम की भी एक चीज होती है आपने सुना है जो कि बैक्टीरिया नहीं है. वायरस आर बेसिकली डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड हैं जो कैप्सूल में कवर्ड होते हैं जो घूमते फिरते हैं और आपके अंदर चले जाके आपके सेल्स के अंदर जाके आप ही के सेल को हाईजैक करके मल्टीप्लाई होके उसको फोड़ के फिर दूसरे सेल में जाके मल्टीप्लाई करके सबको फोड़ देते हैं. वायरसेस जो हैं उनसे सबसे कॉमन बीमारी वायरसेस की वजह होती है सर्दी खांसी, कोल्ड एंड फ्लू वायरसेस के वजह से होती हैं. 200 से ज़्यादा वायरसेस हैं कोल्ड फ्लू के, डेंजरस भी हैं जैसे फ्लू, स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू जानलेवा हो सकता है, वैसे ही वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती. याद रखिए वायरस के खिलाफ कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, सिर्फ कुछ वायरसेस के लिए जिनको अच्छे से स्टडी किया जा चुका है उनके खिलाफ एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल हैं जो भी वायरसेस की मल्टीप्लीकेशन की एक्टिविटी को रोक सकती है, वायरसेस को मार नहीं सकती. वायरसेस को मारेंगे तो आप मारेंगे, आपकी खुद की इम्यूनिटी मारेगी और कोई नहीं मारेगा. तो वायरसेस को सिर्फ आप रोक सकते हैं जो कि बहुत सारे नेचुरल चीजें भी हैं जो हमने कई बार बात करी है, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं. और बैक्टीरियाज के लिए एंटीबायोटिक्स होते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स किस चीज के लिए कतई भी नहीं लेना है. एंटीबायोटिक्स नहीं काम करते हैं वायरल इन्फेक्शंस में. कोल्ड है, नाक बह रहा है, म्यूकस थिक है, बलगम म्यूकस ज्यादा आ रहा है, बलगम है, ना जी ना, आपको वायरल ज्यादातर चांसेस है वायरस है, कतई भी आपने एंटीबायोटिक नहीं लेना है. आपको फ्लू है, एंटीबायोटिक नहीं लेना है. गला खराब ज्यादातर केसेस में एंटीबायोटिक नहीं लेना है. एक हफ्ता आपने बिना एंटीबायोटिक के लिए आपने देखना है गरारे और जो भी नेचुरल चीजें हैं गरारे करिए, बीटाडीन के गरारे करिए, स्टीम लीजिए, रेस्ट करिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, वट एवर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कोल्ड एंड फ्लू और कफ वाले वीडियोज हमारे ऑलरेडी हैं. राइट, और इवन ज्यादातर चेस्ट कोल्ड जो इन्फेक्शन है ब्रोंकाइटिस भी एलर्जिक या वायरल होती हैं तो इन केसेस में भी तुरंत के तुरंत एंटीबायोटिक्स नहीं देने चाहिए. एंटीबायोटिक्स कई सारे साइनस इन्फेक्शंस जो होते हैं साइनोसाइटिस में भी नहीं देने चाहिए जनाब. और इवन कान के इन्फेक्शंस में भी तुरंत एंटीबायोटिक्स हैं. हम तो डायरेक्ट जाते हैं टप 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 एंटीबायोटिक के भाई दे दो एंटीबायोटिक की गोली, दैट्स रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग. वी आर मिसयूजिंग एंटीबायोटिक्स, दिस इज द ट्रूथ. सो एंटीबायोटिक्स तुरंत तुरंत इन चीजों में नहीं देना चाहिए. रिमेंबर
बिकॉज ये ज़्यादातर बीमारियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, आपको सिर्फ प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर पानी, प्रॉपर वाइटामिन, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए और कुछ ना ही, और कुछ नहीं। अब लोगे अगर ऐसे फ्री फालतू में एंटीबायोटिक्स या फिर वैसे भी एंटीबायोटिक्स लेते रहोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, इसीलिए एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स छोटे से लेके बड़े से बड़े तक भी हो सकते हैं। छोटे से साइड इफेक्ट्स जैसे कि रैश, जैसे कि उल्टी, जैसे कि नौशिया, जैसे कि डायरिया, जैसे कि सुपर इन्फेक्शन, जी सुपर इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स की वजह से एक दूसरा इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कई बार जबान वाइट होने लगती है, कई बार डायरिया होने लगता है, कई बार वेजिनोसिस हो जाता है, कई बार सफेद पानी निकलने लगता है, ऐसे कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसल इंफेक्शन हो सकता है जो कि एंटीबायोटिक्स के वजह से हो जाता है, वो डायरिया कॉज कर सकता है और वो काफी डेंजरस भी हो सकता है, इवन जानलेवा हो सकता है। इसलिए फ्री फालतू के एंटीबायोटिक मत लिया करो। लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स से, डोंट टेक दैम। और ऑब्वियसली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है आपका बैक्टीरिया अगर आपने गलती करी, जो हमने कल बताई थी कि बिन फालतू की एंटीबायोटिक लेते रहे या एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं किया, दो ही गोली खाई छोड़ दी, या किसी और की एंटीबायोटिक बच गई थी, दो तीन गोलियां मैंने खा ली, मुझे लगा मेरा गला ठीक हो जाएगा, तो गलत कर रहे हो आप। आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। सो Why it is important to take antibiotics, right? Not to take, बता दिया। Why it is important to take antibiotics when they are needed? जरूरत है तब लेना जरूरी भी है, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन जो एक्चुअली बढ़ते जा रहे हैं, जो जानलेवा हो जाते हैं, जिनसे पहले जान चली जाती थी लोगों की, अब नहीं जाती क्योंकि अब एंटीबायोटिक मिल जाते हैं उनको, राइट? कई सारे जगहों पर एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स के बावजूद एंटीबायोटिक्स को पहले ही दे दिया जाता है कई सारे लोगों को। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एंटीबायोटिक्स जो है जब नीडेड होते हैं वो पहचानना एक डॉक्टर के ऊपर होता है, ना कि पकड़ के सबको देते रहो। ये जरूर डॉक्टरों की गलती है, मैं समझता हूँ, और मैं डॉक्टरों से अर्ज करूंगा अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना दें, लेकिन जो है सो है। जो लोग आपको भी दिमाग लगाना है, खुद से दाके तो मत लो एटलीस्ट। तो मिस यूज ना करें एंटीबायोटिक्स को, जब जरूरत है तब जरूरत है। जानलेवा बीमारियां या ऐसी बीमारियां जो नहीं ठीक हो रही है, बढ़ती जा रही है, दो चार दिन, पांच दिन, तब आपने डिसाइड करना है ना अब एंटीबायोटिक चाहिए, दैट इज अ थिंग। सो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज का मतलब यह है जब आपको प्रिस्क्राइब भी नहीं किया गया, आप खुद एंटीबायोटिक ले रहे हो या कोई मेडिकल स्टोर से उठा के ले रहे हो, दूसरे की दवा खा रहे हो, दैट इज अननेसेसरी। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, डोंट डू दैट टू एनीबडी एल्स, कृपया ना करें। एंटीबायोटिक्स हमेशा, जब भी बीमार होते हो उसका जवाब एंटीबायोटिक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। सो मिसयूज, रॉन्ग एंटीबायोटिक खाना, रॉन्ग डोज खाना, कंप्लीट नहीं करना। कई बार ऐसा होता है खुद खा रहे हो, बच्चे की दवा खा रहे हो, कम डोज में खा रहे हो, काम नहीं करेगी, है ना? जैसे सेना को भेज दिया, एक दो चार सैनिक भेज दोगे तो काम थोड़ी करेगा, प्रॉपर सेना भेजनी पड़ती है ना, वैसे ही यहाँ पर भी। सो कम डोज हो सकता है खुद के बेसिस पे, एंटीबायोटिक ही गलत हो सकता है खुद के बेसिस पे, एंटीबायोटिक का कोर्स सही नहीं कंप्लीट किया खुद के बेसिस पे, अगर आपने उल्टा सीधा ऐसे काम किया तो आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद पे नहीं, उस बैक्टीरिया को भी और ज़्यादा रेजिस्टेंस कर दोगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत जोरदार चीज़ है, आपके और आपके बच्चों के मेडिकल खर्चे, मेडिकल बीमारी या मेडिकल बीमारियों के इलनेस की सिवियरिटी बढ़ा सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज नॉट समथिंग टू प्ले विद, डोंट प्ले विद योर लाइफ, डोंट डू दैट, ओके? सो डोंट डेयर बाय एंटीबायोटिक्स। जब भी जाके मेडिकल स्टोर से दवा लेते हो, पूछ लेना भाई क्या दे रहा, एंटीबायोटिक है क्या? एंटीबायोटिक नहीं लेना है, ठीक है? नहीं लेना है, ओके? नहीं लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर एंटीबायोटिक्स, थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस वीडियो भाई, शेयर जरूर करना है, ओके?